तो आज मैं बात करूंगी कि आप किस एलिमेंट के हैं या आपकी प्रकृति कैसी है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी आपको लगता होगा कि आप किसी से जब बात करते हैं तो आपको बड़ा अच्छा फील होता है, और किसी से बात करते हुए आप इरिटेट हो जाते हो, तो ऐसा क्यों होता है? और ये सारा खेल होता है आपके एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स तीन तरीके के होते हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट। तो आप जिस भी एलिमेंट के होंगे और आप जब सामने वाले से बात करेंगे, यदि वो आपके एलिमेंट का होगा तो आपको बात करने में मजा आएगा, और यदि आपके एलिमेंट से वो एंटी एलिमेंट का होगा तो आपको बात करते हुए इरिटेशन का अनुभव होगा, मतलब आप इरिटेट हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको एयर एलिमेंट के बारे में बताऊंगी कि एयर एलिमेंट वाले लोग कैसे होते हैं। यदि आप एयर एलिमेंट के होंगे तो आप नोटिस करें, आप बहुत अधिक टॉकेटिव होंगे, आपको बात करने में लोगों से मज़ा आता होगा, आप जब बात करते होंगे तो बात ही करते रहते होंगे, आपको घूमना फिरना बहुत अधिक पसंद होगा, यानी कि जब आप दिन में यदि आप मार्केट के 10 चक्कर भी लगा लेंगे तो आपको थकान का अनुभव नहीं होगा, आप एक के बाद एक, एक के बाद एक आप अपनी जर्नी को स्टार्ट रख सकते हैं। सेकंड, आपको टेस्टी फूड काफ़ी पसंद होगा, थोड़ा सा तीखा आप पसंद करते होंगे, आपके बाल बड़े थिन होंगे, आपके नाखून लंबे होंगे, दांत भी लंबे होंगे और आपकी फिजिक्स पतली होगी, आप बहुत अधिक मोटे नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटर होंगे, आपको बातों की गहराइयों में जाना अधिक पसंद होगा कि यदि कोई बात उठी है तो उसका रीज़न क्या होगा, तो आप उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे ज़रूर, या आपके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा हमेशा रहेगी कि ऐसा क्यों हुआ और उसका रीजन क्या है। आपने नोटिस किया होगा कि यदि आप बहुत दिनों तक अपने घर से नहीं निकलते हैं, अपने घर में ही रहते हैं, तो आपको डिप्रेशन सा फील होने लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं डिप्रेशन का मरीज बनता जा रहा हूँ, या बड़ी इरिटेशन होने लगती होगी, क्योंकि एयर एलिमेंट वालों का गुण ही है घूमना और फिरना, एयर एयर एवरीवेयर वाला एट्रीब्यूट आप लोगों के अंदर होता है। अब हम बात करेंगे फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट वाले नो बकवास सीधी बात वाली थ्योरी पर विश्वास करते हैं, ये बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनका गुस्सा इनकी नाक पर हमेशा रहता है, पर गुस्सा भी इनके दूध में उबाल की तरह आता है, एकदम आएगा और एकदम शांत हो जाता है, पर फायर एलिमेंट वालों को दिखता है, वो दूरदर्शी होते हैं, उनको मालूम होता है कि जो हम काम करने जा रहे हैं उनकी परिणति क्या होगी, ये बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, आप उनसे अपनी किसी भी बारे में यदि कुछ भी एडवाइस लेंगे तो वो बड़े रॉयल्टी के साथ आपके साथ पेश आएंगे और आपको एक अच्छी सलाह देंगे। फायर एलिमेंट वाले फिजिक्स में हेल्दी होते हैं, ना अधिक मोटे होते हैं ना अधिक पतले होते हैं, उनकी नाक बड़ी शार्प होती है, उनकी आंखों में एक बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलेगी, जैसे बिल्ली की आंख में चमक होती है, शेर की आंख में चमक होती है, उस तरीके की चमक उनकी आंखों में होती है, उनके नाखून उनके दांत मीडियम साइज के होते हैं, बाल ना ज़्यादा पतले होंगे ना ज़्यादा मोटे होंगे, पर यदि उनमें वाटर एलिमेंट होगा तो बाल उनके मोटे हो सकते हैं, अदरवाइज तो उनके बाल भी थिन होंगे, उनकी फिजिक्स जैसे मैंने अभी आपको बताया हेल्दी होंगे। और यदि मैं फिजिक्स के बारे में बात करूँ तो डिपेंड ये भी करता है कि आपका सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, क्योंकि जो भी आपका सेकेंड एलिमेंट होगा तो आपकी फिजिक्स भी आपके पहले एलिमेंट और आपके सेकेंड एलिमेंट के ऊपर ही वैरी करेगी। फायर एलिमेंट वालों का एक स्पेशल क्वालिटी ये भी होता है कि इनको चापलूसी करना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, ना वो अपनी चापलूसी करवाना पसंद करेंगे और ना ही वे करते हैं। यदि फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट भी मिक्स हो जाए, यानी कि यदि सेकंड एलिमेंट उनका वाटर हो जाए या फिर पहला एलिमेंट उनका वाटर है और सेकंड एलिमेंट उनका फायर हो जाए, तो ऐसे लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर होते हैं। आप नोटिस करना, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे या तो वो फायर वाटर के होंगे या वाटर फायर के होंगे। अब मैं बात करती हूँ तीसरे एलिमेंट वाटर एलिमेंट वालों की। वाटर एलिमेंट वाले बड़े इमोशनल होते हैं, वो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करेंगे, घुमा घुमा के बात करेंगे, यदि कोई उनसे ये पूछेगा कि आप बैंक में गए थे क्या हुआ, या आप मार्केट में सब्जी लेने गए थे तो क्या हुआ, तो वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं गया और मैं सब्जी लेकर ऐसे ऐसे आ गया, वो कहेंगे पहले मैं घर से मैंने थैला उठाया, फिर मैंने अपनी एक्टिवा की चाबी उठाई, फिर उसके बाद मैंने एक्टिवा स्टार्ट करी, मैं मंडी में गया, वहाँ पर इतनी
सारी भीड़ लगी थी, मैंने एक एक सब मतलब बड़ी लंबी लंबी सी बातें करना उनको बड़ा पसंद होता है। वाटर एलिमेंट वाले बड़े स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे। और सर वाटर एलिमेंट वालों की एक स्पेशलिटी ये भी होती है कि वाटर एलिमेंट वालों को रिश्ते निभाना बहुत अच्छे से आता है, रिश्तों को कैसे मेंटेन किया जाए वो पूरी फैमिली को लेके चलना अधिक पसंद करते हैं। वाटर एलिमेंट वालों का एक अच्छा एट्रीब्यूट ये भी होता है कि उनको फाइनेंस की नॉलेज बड़ी अच्छी होती है, उनको मालूम है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए और कहाँ पर किया जाए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि यदि किसी का पहला एलिमेंट वाटर है और सेकंड एलिमेंट फायर है, या फिर पहला एलिमेंट फायर है और सेकंड एलिमेंट वाटर है, तो वो बड़े अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर होते हैं। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि पहला एलिमेंट आपका कौन सा है। यदि पहला एलिमेंट आपका एयर है तो आपका दूसरा एलिमेंट वाटर है या फायर है। यदि पहला एलिमेंट फायर है तो क्या आपका दूसरा एलिमेंट एयर है या वाटर है, या फिर कहीं आपका पहला एलिमेंट वाटर है तो दूसरा एलिमेंट यदि एयर है या फिर वाटर है। तो ये आप मेरी इस वीडियो को देख के एनालाइज कीजिए। और सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस एलिमेंट की दोस्ती किस एलिमेंट वालों से अधिक होती है। तब तक के लिए नमस्कार।